नमस्कार, वेलकम टू स्मार्ट रोहिणी। आज आम स्टफ्ड बैगन बा गोटा बैगन भजा तैयारी करिया देखिबा। प्रथम बैगन भितर भरियापाई स्टफिंग बा मसला को रेडी करिया। दुई स्पून चना डाली को 2-3 मिनट पर्यंत भाजिबा। तापर एथिरे आधा स्पून धनिया पकेबा, आधा स्पून जीरा पकेदबा, 3 टी सुखिला लंका मुझे आपड़ निज टेस्ट हिसाब से कम अधिका करेंगे। टी स्पाइसी करने मुझे अधिका नहीं सब अल्प भाजला एवं गोटे स्पून राशि पकईद एवं सब मसला को पूरा लाल हेला पर्यंत भल से भाजीद। चना डाली पूरा लाल हेला पर्यंत भाजबे, कंचा रहीगले भल लगे। देखु हो सारी बाकी थंडा करदे। 2 टी मीडियम साइज रो प्याज को काटिक रखी थी, ताकू चपर में पकईकी चप कर दे। मसलार मिसाप प्याज को पूरा फाइन चप कर तेणु ये चपर रो यूज कर। देखो हो सारी साइड रखद। भाजिकी रखा मसला को जारे पकईकि ग्राइंडिंग करदे। बेसी पाउडर करने दरकार नहीं, दरदरा ग्राइंडिंग करदे हो। एबे गोटे जगार ग्राइंडिंग कर मसला और चॉप्ड प्याज को पकईद। स्वाद अनुसार लुण पकईद, अल्प हलदी पकईद, आपको भलसे मिसेद। एर पानी पकैया दरकार नहीं, जेहेतु प्याज भले कि चॉप होती है एर पा थो ये पाने ही पूरा भलसे मिसीज। देखु हो सारी एबेपर छोट सइज्र बैगन नवा ताको एमती 6 पीस कर काटा। अग को काटे देखु ये काटा। एवं ये भितर आम मसला को भर्ती करवा। मसला को भर्ती करके चारिड़े भल से प्रेस करदे जपर यहाँ न बाहर। देखु हो सारी जदि छोट बैगन होता है 4 पीस करके काटिदे। सेम प्रोसीजर में पूरा बैगन मसला को भर्ती करके रखिद। देखो हो सारी पैन रे तेल पकईद। तेल गरम है स्टफ्ड बैगन को चारिड़े एमती अलग अलग करके रखिद। फ्लेम को मीडियम रे रखिए। मीडियम फ्लेम रे बैगन को 2-3 मिनट पर्यंत भाजवा। चारिड़े जपरी तेल लगे से भाया ऊपर तल करके चारिड़े तेल लगे। बैगन चारिड़े भलसे तेल लगला फ्लेम को लो करदे। देखो बैगन चारिड़े तेल भल लगी। ढाकुणी बंद करके 5-6 मिनट पर्यंत लो फ्लेम रे कुक करवा। 5 मिनट पर ढाकुणी खोल के देखा। देखो गोटे साइड हो सारी पूरा बैगन को एमती उल्टई दबा। पूरा बैगन को उल्टे की पुणि थे लो फ्लेम रे 5-6 मिनट पर्यंत कुक करदे। 5 मिनट पर आपको उल्टे की देखा। देखो दुई आड़े बैगन पूरा भले से सीझी जाए। रेसीपी होगा टी टाइम लगे जेहेतु लो फ्लेम रे आपको कुक करने पड़ था। यह पैन रे जदि करेंगे बेसी तेल लगे खाया भी टेस्ट लगे। भितर टिके मसला कुक होगा एमती ऊपर टिके बैगन को प्रेस करदे जहाद्वारा कि भितर मसला भी भले कि कुक हो। देखु बैगन स्टफिंग भरला अल्प टिके मसला बंची था से मसला को ऊपर एमती पकईद। एवं ढाकुणी बंद करके 2-3 मिनट पर्यंत कुक करदे। 2-3 मिनिट पर ढाकुणी खोल की पूरा बैगन को आउ थे उल्टे दबा। देखो दुई आड़े बैगन पूरा भले से फ्राए हो जाए। जो ऊपर मसला पकई थे से कंचा अच्छे टी फ्राए करा पड़ो। एवं ढाकुणी को बंद करे फ्लेम को मीडियम रखिदे। मीडियम फ्लेम 3-4 मिनिट पर्यंत भाजीदे आम बैगन भजा रेडी हो जा। जेहेतु मसलार चना डाली पड़ी आपको जब टी क्रिस्पी करा चाहती तेल भले कि फ्राए करदे। 2-3 मिनट पर्यंत फ्राए करदे मसला भी आम क्रिस्पी हो। देखु हो सारी
ଉପର ବାଇଗଣ ବି ସିଝିଯାଇଛି, ମସଲା ବି ଭଲକି କୁକେଇ ଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ରେସିପି ବା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।